वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग शाम में मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुके हैं और जस्ट मेरे होटल के अपोजिट में ही है जुहू बीच। सो हम लोग अभी सोचे कि चलो ये लोकेशन भी कैप्चर कर लिया जाए, आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर कर लिया जाए, क्योंकि ना शाम का ही क्राउड ज़्यादा रहता है और शाम में ही देखने में अच्छा भी लगता है एंड शाम में थोड़ा लोग इंजॉय भी कर लेते हैं, क्योंकि इनका भी काम धाम ख़त्म हो गया है। सो ये आ गया मीटिंग सब करके, उसके बाद हम लोग दोनों के निकल गए हैं वॉक के लिए। तो चलिए अभी फटाफट ब्लॉग में बने रहिए, जुहू बीच का ब्लॉग करेंगे आप लोग के साथ। यहाँ फोटो वगैरह बहुत फोटो कैसे क्लिक करवाएंगे सर ना। गाइस इवनिंग का व्यू जुहू बीच का, जो कि जुहू चौपाटी का, जो कि देख सकते हैं। सुबह के टाइम में जल्दी उठोगे ना, तो सुबह के टाइम में वॉक अच्छा हो जाएगा। असर बोली भी रहता है कि तुम वॉक क्यों नहीं करने आते हो मॉर्निंग में। तो हम आ गए चौपाटी पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है और हम लोग शाम में विदाउट मेकअप का ब्लॉग कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी लाइट में चमकेंगे हम, लाइट में कुछ दिखेगा भी नहीं क्योंकि इवनिंग में बिल्कुल फ्रेशनेस हवा के लिए हम लोग आए हैं। लिपस्टिक लगाया, लिप बाम लगाया, बाकी कुछ नहीं, भी मेकअप हुआ है। ये देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है जुहू बीच में, लड़ाई पंडाल वगैरह भी लगा था। सो गाइस, तो इस लड़की का कला को देखिए, ये एक रस्सी पे अपनी कला को दिखा रही है। तो ये वीडियो हम बहुत पहले शूट करके रख लिए थे, एक रोड पे कोई अपना कला प्रदर्शित कर रही थी, तो पैसा कमाने के लिए इतना मेहनत कर रही थी और एक रस्सी के सहारे इतना डांस करके और एक लाठी लठ जो बोल सकते हो उस पर डांस कर रही थी। तो मैं सोची कि आप लोग के साथ पास पहुंचना चाहिए ये मैसेज और ये वीडियो, ताकि आप लोग को प्रेरणा मिले, इस छोटी सी बच्ची इतना मेहनत कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। और इसकी माँ दो पैसे के लिए मतलब सबको मांग रही थी, तो सब लोग रोड पे इसलिए लगाई थी कि लोग आए जाए तो देखे। तो ये आप लोग भी देखिए और किस तरह से यकीन मानने वाला तजुर्बा है कि क्या है, ये देख सकते हैं कि इतना सारा चीज़ कर रही है। सो गाइस, मैं तो इसलिए इस वीडियो में अटैच करती थी क्योंकि ये इनका नवरात्रा का शूट है वीडियो, तो मैं जल्दी जल्दी में वीडियो में अटैच कर पाती हूँ ये वीडियो आप लोग भी जाना चाहिए। तो मैं तो देखिए और इन्जॉय करिए, आई होप आप लोग कमेंट करके बताएं क्या सब। अद्भुत है ये लड़की, मटके लेके बांस के सहारे रस्सी के सहारे डांस करती है, इसलिए हम लोगों को भी सीखना चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए। ये लड़की अपने दो पैसा कमा के अपना घर चला रही है 10 साल की बच्ची, और ये कला प्रस्तुत कर रही है मेन रोड के, इसकी माँ दो पैसे के लिए तब सबसे मांग रही है, इसको जो गुजारा मैं दे रही हूँ चली है, लेकिन मेरे को तो देख के ऐसा आंख भरा है। तो गाइस, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम जो बीच की तरफ मूव करते हैं,
तो ये है कुछ इवनिंग का नज़ारा। यहाँ से मेरे को ध्यान आया कि यहाँ पे भी मेले की तरह लोग बैलून और गुब्बारे से पूरा सजा हुआ है, सब चाट पुटके चाउमीन का लगा हुआ है स्टॉल, इयरिंग्स वगैरह भी सब लोग सेल कर रहे हैं, मौसम भी काफ़ी सुहाना है। आज तो हम लोग आ गए फाइनली यहाँ फाइनली जुहू बीच के पास, और अब हम लोग चल के पानी ऊपर से पास आ गया था, तो देख सकते हैं यहाँ पे पानी आ गया था, ये गीला है अभी फिलहाल वहाँ चला गया, तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे बीच समुंदर में दोनों को ही। यहाँ पे गाइस कैमरा मैन वाला एक मिनट नहीं छोड़ता, मैन प्रीवियस वाले भी इस बार हम लोग एक इवनिंग का फ़ोटो क्लिक करा रहे, ज़बरदस्ती वो इतना परेशान कर देते हैं कि लेना पड़ता है, और ज़्यादा चार्ज नहीं था फ़ोटोज़ का, 20-30 रुपये में एक फ़ोटो निकल जाता था, तो एक बार हमने यहाँ पर इवनिंग का एक फ़ोटो ले लिया था। तो हम आ गए समुंदर के बीचों बीच, और यहाँ देख सकते हैं पानी किस तरह से आ रहा जा रहा है, ये तो मज़ा आ रहा है, ये मौसम कैसे थे गाइस। यहाँ पे लोग जो बीच में नाइट में ही एंजॉय करने आते हैं, आई थिंक अभी टाइम हो रहा है 7 बज रहा है, और लोग यहाँ पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्राउड है, जैसा कि आप देख सकते हैं दशहरा लग रहा है ख़त्म होते, नवरात्र ख़त्म, लोग यहीं पे आ गए हैं, और ऐसे भी यहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग है, अभी मुंबई सिटी पॉपुलेशन का सिटी है दिल्ली मुंबई, तो कुछ ज़्यादा ही गैदरिंग है एंड काफ़ी ज़्यादा लोग इन्जॉय कर रहे हैं। और मेरे हस्बैंड फॉर्मल ड्रेस में मीटिंग से जस्ट नीचे से ही आ गए थे, तो ड्रेस वगैरह चेंज नहीं किए, तो वो पानी में ऐसे भी उनको डर भी लगता है, और फॉर्मल पहने हुए शूज़ वगैरह तो जाने में दिक्कत भी हो रही है, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, तो मैं आराम से प्लाजो में थी और जूता शूज़ को खोल के, और मैं पानी में मेरा बस चले ना, तो अभी मैं डुबकी लगा के आऊँ, क्योंकि मेरे को पानी देख के क्या मन में एक्साइटेड हो जाता कि बस मैं नहाऊँ, बट मैं आधे घुटने का पानी में घुटने पर पानी में मैं गई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, एंड काफ़ी यहाँ पे चाट फुचका झालमुड़ी जो भी आम का क्या क्या मिलता है वैरायटी ज़्यादा यहाँ पे, तो अभी हम लोग चलते हैं खा लेते हैं चटपटा, क्योंकि ना थोड़ा मोबाइल में बिजी मैन, अरे वो भेजे हैं बिजी मैन बारूदी भेजे हैं क्या है, किसी को ब्लड चाहिए दिल्ली में, जो पूजा काशी विश्वनाथ में नहीं कराए थे, हाँ तो वही हमको भेजे हैं, किसी को दिल्ली में वो ब्लड चाहिए, उनके कोई नॉन होगा तो वही भेजे हैं, वही कट जाए, अभी हम जूता खोल के नहीं जाएंगे, पानी में जाने में मजा आएगा, कल कर लेना, कल भी जूही बीच के पास ही है ना अमिताभ बच्चन का घर, उधर है यहाँ से 1-2 किलोमीटर चल रहा है, जूता खोल खोल के सब जा रहे हैं, हम लोग तो हम लोग कहीं भी जा रहे हैं ना, तो फोटो ज़रूर क्लिक करवा रहे हैं, क्योंकि अपने मेमोरीज को दिल में जगह देने के लिए, दिल मतलब उसको सेव करके रखने के आने वाले जनरेशन या आने वाले टाइम में मैं अपने मोमेंट को, हर मोमेंट को कैप्चर करना चाहिए, एक तो मेरे यूट्यूब से मेरा मोमेंट हर मोमेंट कैप्चर होता है, सो थैंक यू, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरा शुरू से ही लाइफ स्टाइल में यही था मेरा पसंद, फ़ोटो वगैरह खिंचाना, डांस गाना म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव था, और फिलहाल मैं इसी लाइन में चली गई,
बस आप लोग की दुआ और सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग बस मोटिवेट करते रहिए एंड प्यार देते रहिए, व्यू सब्सक्राइब बढ़ाइए। मैं इस लाइन में बहुत लंबे टाइम तक काम करना चाहती हूँ एंड हर इंडिया के हर कंट्री को घूमने, इंडिया के हर जगह में घूमने वाली हूँ और हर जगह के आप लोग के साथ ब्लॉग करने वाली हूँ फिलहाल 2020 में। तो आप लोग मेरे से जुड़े रहिए 2020 में। आप लोग की बहुत सारे बॉयस लोग बोलते हैं कि मैम आप तो मतलब रेसिपी वगैरह या मेकअप वगैरह का वीडियो लाती हैं, जो वीडियो रहता है गर्ल्स लोग के लिए, लेकिन हम लोग के लिए क्या रहता है, मेंस लोग बोलते हैं एंड जेंट्स लोग, तो उन लोग के लिए मैं बीच बीच में कोशिश करती हूँ कि ट्रैवल ब्लॉग शेयर करूँ ताकि दोनों कंटेंट, दोनों व्यूवर्स मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो मैं इस ब्लॉग जूहू बीच के ब्लॉग में ये सारा डिस्कशन मैं कर ली, क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी जो बात याद आ जाता है तो चलो आदमी डिस्कशन बात करते करते कर लेता है, तो यही है। तो चलिए अभी कुछ खाते पीते हैं क्योंकि शाम का टाइम है स्नैक्स का। और फाइनली हस्बैंड जी लग रहा है फ़ोटो कोई खींचा है उससे लेने के हैं, तो यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए बहुत सा लोग हमेशा आगे पीछे करते रहते हैं। आप फ़ोटो अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा कपल में खिंचवा सकते हैं। देन अभी तो मैं कंफर्टेबल ड्रेस में थी विदाउट मेकअप, क्योंकि मैं अभी इंजॉय करने के मूड में हूँ, फ़ोटो बाद में, बट जिस कपड़े में थी उसी में फ़ोटो वोटो खिंचवा ली मैं एक दो। तो इस तरह से मैं एंजॉय कर रही हूँ, आई होप आप लोग भी ब्लॉग को एंजॉय करेंगे। मुट्ठा खाएगा लड़कियाँ मेले में जाए और बीच पे जाए और गोलगप्पे चाट नहीं खाया था फैमिली से। तो यहाँ पे मैं लड़कियाँ तो फैन हैं गोलगप्पे के, मेरे हस्बैंड भी फैन हैं। उनको ना व्रत टूटते के साथ क्या हो गया नवरात्रा के बाद ही गोलगप्पे पे बहुत जोर लगा रहे हैं। तो मैं बोली भुट्टा का खाएँगे, तो बोले नहीं चलो गोलगप्पे चाट खाएंगे। तो हमने यहाँ पर गोलगप्पे चाट का पूरा खाया जा रहा है। किसको किसको खाना है आइए आप लोग भी खाइए मुंबई की चाट छोले वाले। लंबे के कारण रेट ज़्यादा है, जू चपाटी में तो 10 रुपये की चाट मिलता है। कितना का मिलता है हमारे यहाँ? हम गए जिले के हैं, बिहारी में हैं। हाँ 10 रुपये चाट मिलता है। चलिए कहीं खाते हैं बैठ के। तो गाइस तो आप जब भी आएँ तो जूहू बीच का यहाँ पे मेले की तरह स्टॉल लगता है, तो यहाँ का चाट फुटका चाट चाउमीन गोलगप्पे सब कुछ खाएँ। तो ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बिहारी लोग यहाँ पे ज़्यादा ठेले और स्टॉल लगाए हुए हैं। तो एक बार ज़रूर विजिट करें, सब कुछ खाने पीने की सुविधा बीच के ऊपर में रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया हुआ है। तो अब हम लोग चल रहे हैं नीचे।
सो गाइस तो हम लोग आ गए होटल पे। होटल पे हम लोग ये स्नैक्स कुछ ऑर्डर कर लिए क्योंकि हम लोग हल्का फुल्का चाट चाउमीन चाट फुसका खा लिए थे। यहाँ पे चिली पटैटो ऑर्डर कर लिए हैं और बस इंजॉय कर रहे हैं बीच के जस्ट पास में बैठ के। तो आई होप आप इस ब्लॉग को इंजॉय किए होंगे। यहाँ पे एक बिल्ली रोज़ आ जाती है मेरे पास, तो चलिए दिखाते हैं। और भी मेरे हम लोग के साथ वो भी इंजॉय करती है, तो कुछ खाने के लिए दो ना तो वो खाती नहीं है, बट बैठी रहती है। मेरे पे डर भी लगता है मेरे को, बट वो काटती नहीं है। ये देखिए समुंदर कैसे रात में सुनसान में कैसे और तेज़ से बढ़ता है। सो गाइस तो अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।